हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। तो आज मैंने बहुत टाइम के बाद वीडियो बनाने का सोचा है। कल हम लोग कहीं गए हुए थे थोड़ा, तो वहाँ पे मुझे किसी ने बोला कि आपको वीडियोस बनानी चाहिए। मैं तो ये वीडियोस बना बनानी छोड़ दी थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं थोड़ा सा जॉब में बिजी होता हूँ। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो बना लेता हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी छोटी सी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, जिसमें 600 की 500 कुछ सब्सक्राइबर है, जो कि बहुत स्लो बढ़ रहे थे। तो मैंने ये छोड़ दिया था अपना ना, तो आज से मैंने फिर से स्टार्ट किया है यूट्यूब बनाना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मैं जॉब में व्यस्त होने की वजह से कंटिन्यू ब्लॉग्स नहीं बना पाता हूँ, तो दो चार वीडियोस डालता हूँ, तो उसको आपने खूब शेयर करना है, और जो मेरे चैनल को न्यू देखेंगे उस सब्सक्राइब भी करना है। अभी पिछली जो मेरी वीडियोस थी उसमें क्या था कि उस टाइम मैं सिंगल था, अभी मैं मैरिड हो चुका हूँ। ये जो आपको दिख रही होगी मेरी धर्म पत्नी सीमा जी है, इनके बारे में भी आपको आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊँगा कि ये कहाँ से है और ये मुझे कैसे मिले थे, क्या है हमारे बीच। तो आपको सभी कुछ देखने को मिलेगा आगे मेरी वीडियोस में, प्लीज़ आपने बने रहना। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ होता हूँ, और सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। और प्लीज़ आपके सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार भी ज़्यादा चैनल बहुत स्लो ग्रोथ कर रहा था। स्लो तो नहीं बोल सकेंगे क्योंकि एक महीने के अंदर 500 सब्सक्राइबर हो चुके थे मेरे, पर फिर भी मुझे टाइम नहीं था। मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई तो मैं वापस चला गया था, और वहाँ पे मैं कंटिन्यू वीडियोस नहीं बना पाया। और बाकी चलते हैं आगे व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर मम्मी, ये मेरे मम्मी जी है, ये है तन्नु है, इसको आप जानते होंगे, मेरी सिस्टर। और मम्मी बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बन रहा है लहसुन की रोटियाँ। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे गर्मा गर्म। इसको तो आप जानते ही होंगे, ये हमारी बुखारी है, जिसको हमारे यहाँ पर चूल्हा बोलते हैं, लोहे का चूल्हा। ये लोहे का चूल्हा यहाँ पर, ये हमारा किचन थोड़ा कुछ इस तरह है। अभी गंदा है सुबह सुबह बाकी ये यहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर हम बैठ के खाना खाते हैं सभी लोग। और अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मम्मी बना रही है लहसुन की रोटी। लहसुन की रोटी मम्मी बताएंगे कैसे बनती है ये हंस रहे हैं शर्मा रहे हैं मम्मी अभी। इसलिए पहले आटा गूंदा जाता है, फिर लहसुन वगैरह, अदरक, हरा धनिया सब कुछ मिला के जो है, फिर इसका एक नया मसाला मिक्सचर बनाया जाता है। फिर जो है इसमें थोड़ा घी डाला जाता है, क्योंकि आजकल जैसे ठंड होती है ना, तो ठंड में ये बहुत हेल्दी रहते हैं। और फिर इसको घी और दही के साथ। अच्छा, अभी इसके अंदर डाल के पका रहे हैं क्या? हाँ, फिर चूल्हे में सेकते हैं जिससे तकलीफ रहे, क्योंकि इसमें जैसे अगर स्टार्टिंग करते हैं ना, तो आटा रोटियाँ थोड़ी देर तक रह जाए। अच्छा, इसमें आग में अंदर। फिर ये बढ़िया सेकते हैं, ये आग आग में बनी हुई रोटियाँ होती है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होती है। और फिर सिड्डू की तरह भरते हैं इसमें स्टफिंग है, फिर इसको बेलते हैं रोटी की तरह। अच्छा, लहसुन के वो है, मतलब स्टफिंग की इसमें अंदर है लहसुन। ज्यादा लहसुन डालते क्या? नहीं, ज्यादा नहीं डालते। ये है ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ। अच्छा, ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाले इसमें? क्या क्या डाला है आपने इसमें? नमक, हरी मिर्च, अदरक, ड्राई फ्रूट में डाला है हमने, अखरोट, तिल, बमजीरी। क्या क्या? अदरक, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च और अखरोट, तिल, बमजीरी वगैरह, जो भी होता कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं इसमें। तो जब मैं सुबह सो के उठ के आया किचन में, तो मेरे को पूछा अब लोग क्या बनाना है नाश्ते में आज। हमारा ऐसा ये डेली मेरे को पूछा जाता है कि क्या बनाना है क्या बनाना है, तो फिर मैं डेली बोलता हूँ कि परौंठे बनाने हैं। परौंठे मतलब डेली परौंठे अलग अलग तरह के, जैसे कल मूली के बनाए थे, परसों आलू के, फिर उससे पहले क्या के बनाए थे तंसीमा, पनीर के, इस तरह बनाते रहते हैं चिल्ला। हाँ, बेसन का चिल्ला, कुछ भी बनाते रहते हैं। तो आज मम्मी ने बोला कि आज कुछ नया बनाते हैं, तो इन्होंने बोला कि मुझे एक लहसुन के लिए, देखो यहाँ चाय उबलने लग गई है,
ये देखो यही रख गिलास को चूल्हे के ऊपर रखे रखे गिलास ही उबलने लग गया चाय का। तो मम्मी भी ऐसे बीच बीच में खपा देते हैं। बेकार बुखारी चूल्हा बड़ा ही होता है, लाभदायक होता है, क्योंकि हम यहाँ के पानी भी गर्म यही करते हैं, चाय भी यही बनती है, सारा काम हम। So guys, मेरे लिए नाश्ता आ गया है। नाश्ते में क्या है कि ये है घी जो कि हमारा अपना घर का तैयार किया हुआ है, और उसके बाद ये नाश्ते में जो मैंने आपको मम्मी बना रहे थे उस टाइम लहसुन की रोटी, ये क्या है कि इसके अंदर लहसुन की स्टफिंग की हुई है, जैसे पराठे के आलू के पराठे के अंदर भरते हैं। इसमें मतलब इसको ऑयल में नहीं बनाया गया है, इसके अंदर भी घी डाला है देसी घी, और इसमें बाहर से भी तेल नहीं लगा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है। हम लोग आजकल पराठे वगैरह खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तेल लगा होता है, जो कि आपके शरीर को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। फिर उसके बाद अभी मैं नाश्ता करता हूँ, फिर उसके बाद आपको। तो फ्रेंड्स, अभी आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़। तो वो क्या हुआ कि हम लोग छुट्टी के बाद कहीं घूमने नहीं जा पाए थे, तो अभी मेरी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई, तो हमने सोचा कि दो चार दिन के लिए भी चंडीगढ़ ही चले जाते हैं, वहीं कहीं सोचेंगे, प्लान बनाएंगे कहीं घूमने का, दो तीन दिन चार दिन जितने दिन भी लग पाएंगे चंडीगढ़ में घूमेंगे। अभी हम सुगलन से निकल चुके हैं, नीचे को आओ चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। ये रोड चंडीगढ़ सोलन चंडीगढ़ वाला नेशनल हाईवे जो है हमारा शिमला वाला। तो फिलहाल इस टाइम हम बीच में है कहीं पे, तो रास्ते से घर से निकलते वक्त भी मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाया, अभी हमने शुरू किया क्योंकि अंधेरा होने वाला है, उसके बाद हम बना नहीं पाएंगे ब्लॉग्स। तो अभी ड्राइव करते करते मैंने सीमा के पास फ़ोन दिया है, वो पीछे से वीडियो बना रही है, तो मैं यहाँ पे ड्राइव भी कर रहा हूँ, ब्लॉग भी बना रहा हूँ आपके साथ। तो हम लोग दो तीन दिन चंडीगढ़ में घूमेंगे, आप भी कमेंट करके बताना कि हम कहाँ घूमने जाए। फ्रेंड्स, मैं बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं बना पाया था, तो मतलब वीडियोस मेरी कंटिन्यूसली नहीं आ रही थी। अभी सब्सक्राइबर्स भी मेरे पूरे हो चुके हैं, बट वॉच टाइम नहीं पूरा हुआ है, तो अभी मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है। बहुत टाइम लगेगा मोनेटाइज होने में, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यू वीडियोस डालनी पड़ेगी, तब जाके वॉच टाइम भी पूरा होगा। चलो, मेरे को वॉच टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ शौक के लिए ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं घूमने फिरने वाला बंदा हूँ। तो मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग करो, आपका अच्छा चल सकता है, तो मैं उनको बताता भी हूँ कि भाई मेरे पास टाइम नहीं होता है, जॉब के साथ साथ ही ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है, तो मेरी जॉब भी कुछ ऐसी है, मैं आर्मी में हूँ, तो जब छुट्टी में होता हूँ तभी ब्लॉग्स वगैरह ये सब बना पाता हूँ, बाकी ऐसे मैं नहीं शूट कर पाता। अभी देखूँगा, अगर मेरी वाइफ बनाएगी ब्लॉग्स तो आपको वीडियोस आएगी, अगर नहीं बनाएगी तो वीडियोस नहीं आएगी, पर जब भी मेरी वीडियोस आएगी तो आपको देखने में दिख जाएगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको वीडियोस बना के भेज सकूं। तो ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे इसी प्रकार नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट व्लॉग में ओके, बाय बाय, सी यू।